क्या हुआ? ये कट करना है, इसको तो छीलना है बेटा। डू यू वॉन्ट टू डू इट? यू वॉन्ट टू डू? यू वॉन्ट हेल्प मी? नहीं, कट करना है पौधा तो। मम्मा, मुझे फिर से गाड़ी में जाना है, कटलेट बनाओ। कटलेट टुमारो बेटा, पिंकी प्रॉमिस। प्लीज मुझे अभी चाहिए, गोवा के घर जाना है। अब तो आए बेटा, बाद में जाएंगे फिर से, ठीक है? क्या है ये? इससे भी नहीं खुलता। खुलता है, यहाँ से खुलता है। रुको, मैं आई विल हेल्प यू। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, थोड़ा सा चीज़ डालकर। सिंपल सी रेसिपी है, आलू और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़। इसमें हल्दी, मिर्ची और मैं मसाला डालूंगी। मसाला मैं किचन किंग यूज़ करूंगी। वैसे मैं कोई भी मसाला यूज़ करती हूँ, कभी किचन किंग करती हूँ, कभी गरम मसाला यूज़ करती हूँ, जो जब मन में आए। अच्छा राहिनी के पराठों के लिए मैं थोड़ी सी स्टफिंग यहाँ पे अलग कर रही हूँ। पहले ही छोटे छोटे बॉल्स बना लो तो पराठे बनाने में बहुत आसानी होती है। और बचे हुए मसाले में मैं थोड़ी सी और मिर्च डालकर उसे तीखा करूंगी। रात का लेफ्ट ओवर आटा है, मैं उसे ही यूज करने वाली हूँ पराठा बनाने के लिए। क्या हो गया? जिप लगाओ उसकी। आलू पराठे तो हमेशा ही टेस्टी लगते हैं, और कभी कभार अगर इसमें चीज डाल दें तो ये और भी अच्छे लगते हैं और एक चेंज भी आ जाता है। क्या बना रहे हो? मैं आलू पराठा क्या बना रही हूँ? आलू पराठा। हमारा पराठा भी रेडी है। चीज़ और आलू की जो खुशबू आती है ना, वो ऐसे खुशबू आ रही होती है तभी उसमें पानी आने लगता है। राहिने के पराठे भी रेडी है, पर मैं उन्हें गरम गरम पैक नहीं करती हूँ। अभी इसका स्कूल पास ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो थोड़ा सा नॉर्मल होने तक मैं उन्हें कपड़े में रखती हूँ। थोड़ा सा और घी, क्योंकि गरम गरम आलू के पराठे पर घी बहुत अच्छा लगता है। और ये राहिने के लिए पराठे भी रेडी है। कल प्रॉमिस किया था कि मैं कटलेट दूंगी, तो आज तो मुझे राहिनी को कटलेट देना ही पड़ेगा। आज उसके लिए मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, आलू और गाजर के कटलेट्स। तो जिस तरह से मैं कटलेट्स नॉर्मली बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही। इनमें कुछ ना कुछ मैं हर बार अलग ऐड करती हूँ आलू के अलावा। आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं। राहिनी को तो ऐसा लगता है कि उसके कटलेट मैं सिर्फ आलू से बनाती हूँ, उसे नहीं समझ में आता कि उसमें ऐसे ड्राई फ्रूट्स या बाकी चीज़ें भी मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए हैं, इनकी पाउडर बनाऊंगी। और ये जो कटलेट्स हैं, ये इतने टेस्टी लगते हैं कि मैंने भी जब खाकर देखा
तो मुझे भी ये बहुत पसंद आए और राहिनी को भी ये पसंद आया और उसे नहीं पता कि इसमें क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डले हैं। बाइंडिंग के लिए ज्वार का आटा और सब्जी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गाजर की। अब नेक्स्ट टाइम ड्राई फ्रूट्स वाले कटलेट में आई थिंक मैं बीट रूट ट्राई करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने बीट रूट से कुछ नहीं बनाया, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है। गाजर को मैं एकदम छोटे वाले कद्दूकस से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में थोड़ा घुमा सकते हैं, पर आई थिंक कद्दूकस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए एग्जैक्ट रेसिपी नहीं फॉलो करती हूँ, मैं अंदाजे से चीज़ें डालती हूँ। जब भी मैं कोई टेरेस किचन पर रेसिपी वीडियो शूट करती हूँ तब मैं एक प्रोपोर्शन बनाकर ट्राई करके उसके हिसाब से बताती हूँ, ताकि कोई भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करे वो सेम मेजरमेंट से फॉलो कर सके। बट किचन में जब मैं बनाती हूँ तो मुझे मेजरमेंट्स की एज सच ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने पाउडर, मतलब ड्राई फ्रूट्स की पाउडर, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली हैं और इन सबको मिक्स करके इनके मैं कटलेट्स बनाऊंगी। और बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ भुना हुआ ज्वार का आटा, इससे एक अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और ज्वार का आटा तो हेल्दी भी होता है। बचे हुए ज्वार के आटे में थोड़ा पानी मिलाकर मैं इसका घोल बनाऊंगी और इस बैटर में कोट करके फिर कॉर्नफ्लेक्स में कोट करूंगी, जैसे मैं हमेशा राहिनी के लिए कटलेट बनाती हूँ। हाँ मैं यहाँ पर ही हूँ, आ जाओ। हर बार राही ने हार्ट शेप के कटलेट्स मांगता है, लेकिन आज मैं उसे ट्रायंगल शेप के कटलेट्स दे रही हूँ। हमारी रीसेंट गोवा ट्रिप के लिए मैंने उपमा प्रीमिक्स बनाया था, जो कि पूरा फिनिश नहीं हुआ ट्रिप पर, मैंने ज़्यादा ही बनाया था। तो जो बचा हुआ है उससे मैं आज हमारे लिए उपमा बनाने वाली हूँ। एडिशनली मैं प्याज कट करके इसमें डालूँगी। राहिनी के ट्रायंगल कटलेट्स रेडी है और हर बार की तरह जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो पॉसिबल होता है, मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद ही इसके कटलेट्स पैक करती हूँ। हमारे नाश्ते के लिए उपमा प्रीमिक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़े से ऑयल में पहले प्याज फ्राई करूँगी, उसके बाद उपमा प्रीमिक्स डालना है। उसे ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेक के अच्छे से भून के बनाया हुआ है। और गर्म पानी डाल के आखिरी में घी डालूँगी। घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप उपमा बनाते हैं तो एकदम तुरंत एक साथ ज़्यादा पानी डालें कि आपका जो उपमा का बैटर है, बैटर जैसा ही लगने लगे वो पतला, क्योंकि जब वो पकेगा तो वो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और उपमा बिल्कुल भी ड्राई, बिखरा हुआ बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा। और एकदम आखिर में डाल दें इसमें थोड़ा सा घी, और घी अगर घर का बना हुआ होगा तो उपमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। वैसे तो ये उपमा ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आप इस पर ऊपर से सेव डाल सकते हैं या फिर ताज़ा नारियल डाल सकते हैं या फिर धनिया। थोड़ा सा कटलेट हमारे लिए भी बच गया है, तो हम लोग भी एक एक पीस खाएंगे। हमने काफ़ी सारा पालक खरीद लिया है, तो पालक की रेसिपी नाश्ते में भी बनेगी और चैनल के लिए भी शूट होगी। तो सबसे पहले पालक को अच्छे से धो के मैं पीसने वाली हूँ। मैं आज बना रही हूँ पराठे, हमारे लिए भी और राहिनी के लिए भी। और राहिनी के लिए पराठों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अलग अलग शेप्स दूंगी।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पालक। अगर आपके घर में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बना हुआ है तो पालक पीसते समय ही आप अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। पराठों के लिए नेसेसरी नहीं है कि आप पालक को ब्लांच करें, आप सीधे पालक भी पीस सकते हैं। अब गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक और बाकी के मसाले, और साथ में मैं डाल रही हूँ जवस यानी फ्लैक्स सीड्स और कारर यानी राम तिल जिसे बोलते हैं, उसकी चटनी। ये बहुत हेल्दी होती है और राहिन ने बोलता है ब्लैक डॉट्स वाला पराठा, तो ब्लैक डॉट्स के नाम पे मैं उसे ये चटनी खिला देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और किचन किंग मसाला। मिर्ची एकदम कम कि एकदम बेस्वाद भी ना बने और तीखा भी ना बने, ताकि राहिन ने को तीखा ना लगे। इन पराठों में पालक की प्यूरे तो जाएगी ही, साथ में ये चटनी भी होगी जो बहुत हेल्दी होती है, और थोड़ा सा तेल पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए। राहिनी के लिए मैं बनाने वाली हूँ हार्ट शेप का पराठा, ट्रायंगल शेप का पराठा। तो हार्ट शेप बनाने के लिए मेरे पास कोई मोल्ड तो है नहीं, तो मैं चाकू से ही कट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं राहिनी के लिए बना रही हूँ ट्रायंगल शेप का पराठा। तो हार्ट, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप के पराठे मैं राहिनी को देने वाली हूँ, और हमारे लिए तो नॉर्मल बड़ा वाला पराठा। चाट मसाला छिड़क कर राहिनी को कटलेट्स या फिर पराठे, पूरियाँ ये सब पसंद आते हैं, तो मैं बीच बीच में उसे चाट मसाला स्प्रिंकल करके देती हूँ। यह हार्ट शेप पालक का पराठा, साथ में इसमें चटनी भी छिपी हुई है। हमने कल चैनल पर पालक पूरी की रेसिपी शूट की थी। ये पराठे का आटा नहीं है, ये मोटा यानी टाइट गूंदा हुआ सूजी के साथ मिक्स किया हुआ आटा है। तो आज मैं हमारे लिए और राहिनी के लिए पूरी बनाऊंगी, और साथ में राहिनी के लिए थोड़ा आलू बनाऊंगी हल्का सा फ्राइड। राहिनी को ऐसे आलू पसंद है, थोड़ी सी हल्दी, हल्की सी मिर्ची, धनिया पाउडर, मसाला और नमक। मसाला कभी नूडल्स वाला या फिर कभी किचन किंग चिकन मसाला, ऐसे कोई भी मसाला डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और पैन में बस हल्के से तेल में इसे पकाना है। इन आलूओं को पकाने के लिए मैं पानी का यूज़ बहुत कम करती हूँ, शुरुआत में नहीं करती, और बाद में थोड़ा सा छीटा मार के, ताकि आलू अच्छे से अंदर तक पक जाए लेकिन पानी पानी भी ना बने। तो इस तरह का आलू बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब हमें भी पसंद है।
सारी पूरियाँ मैंने फ्राई कर ली क्योंकि ये पूरियाँ काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बनी है और ये काफ़ी देर तक खस्ता रहती है। मतलब इसमें क्रिस्पीनेस भी है और साथ में ये सॉफ्ट भी है, कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी पूरियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। तो छोटे टिफ़िन में मैं राहिने को दे रही हूँ आलू और दूसरे टिफ़िन में उसे मैं दो पूरियाँ दूँगी। इस पूरी को बनाते समय मैंने मिर्ची मसाला, चाट मसाला, पालक की प्यूरे, सूजी, ये सब चीज़ें डाली थी, लेकिन इन्हें मैं नाश्ते में साथ में परोस रही हूँ शेजवान चटनी के, क्योंकि शेजवान चटनी के साथ ऐसे पूरी पराठे अच्छे लगते हैं। आज है हमारा इडली उत्तपम डे, मतलब हमारे लिए उत्तपम बनाऊंगी, राहिनी के लिए इडली। रेडीमेड बैटर आजकल हम ले आते हैं क्योंकि ये एक हमें पसंद आया है जो ज़्यादा खट्टा नहीं होता, हमें बहुत ज़्यादा खट्टा बैटर नहीं पसंद। तो थोड़ा सा मैं राहिनी के लिए इस बर्तन में निकाल रही हूँ, इसकी मैं मिनी इडली बनाऊंगी क्योंकि राहिनी मिनी इडली पसंद करता है, उसे वो अच्छी लगती है बड़ी इडली के कंपैरिजन में। हल्का सा पानी डाल के मैं इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर रही हूँ और नमक डाल रही हूँ, ये बिना नमक का बैटर आता है। हम बाकी लोग उत्तपम खाएंगे तो उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ, प्याज टमाटर धनिया का एक मिक्स बनाऊंगी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी। ये हमारी मिनी इडली की प्लेट, तो इसमें पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ और इसमें बहुत ध्यान से बैटर भरना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी भर जाती है। तो ये एक जो पूरी प्लेट है ये मैं राहिनी के लिए बना रही हूँ। मिनी इडली को स्टीम होने में भी केवल 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। तीन चार मिनट रेस्ट करने के बाद ये इडली बहुत आसानी से ऐसे ही निकल आती है, हल्की सी फिंगर अगर पानी में डुबो तो निकल आती है। तो मैं पहले उसे साइड में रख रही हूँ, तब तक टमाटर चॉप कर रही हूँ। उत्तपम बनाते समय इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि फटाफट उत्तपम के ऊपर ये मिक्स डाला जा सके, अलग से टमाटर धनिया वगैरह डालने में टाइम जा सकता है। तो ये इडली अब बहुत ही आसानी से निकल आ रही है। ये मिनी इडली ऐसा लगता है बस खाते जाओ, होती तो ये सेम बैटर की है जिससे बड़ी इडली बनती है, पर मिनी इडली कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब सेम बर्तन में मैं और बैटर डाल रही हूँ और इसे एडजस्ट करके, मतलब थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इससे मैं उत्तपम बनाऊँगी। राहिनी को तड़के वाली इडली पसंद है, मतलब उसके लिए सफ़ेद नहीं दिखनी चाहिए इडली, येलो होनी चाहिए। तो मैं कई बार सिर्फ घी और हल्दी का तड़का लगाती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाला है, अदरवाइज़ उसके लिए सिर्फ घी और हल्दी का तड़का ही काफ़ी है, उसे बस कलर में इडली येलो लगनी चाहिए, तड़के वाली दिखनी चाहिए। घी में बना हुआ उत्तपम ज़्यादा टेस्टी लगता है और उत्तपम बनाते समय प्याज टमाटर की जगह या तो उसके साथ साथ अगर आलू का मसाला भी लगाओ तो भी ये बहुत अमेजिंग लगता है। पर हमारे नाश्ते में राहिनी की वजह से आलू काफ़ी यूज़ हो जाता है तो हम उत्तपम के साथ अभी नहीं खा रहे हैं। क्या आपको ये कुकिंग व्लॉग्स देखना रिलैक्सिंग लगता है, थेरेप्यूटिक लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।